वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोबारा से रिपीट करा रहे हैं क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो हम दोबारा से टॉपिक रिपीट करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। अब बात करते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, या दूसरे शब्दों में कहें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। एक कंप्यूटर की डेफिनेशन सरल भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हल करने में के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा बड़े बड़े कारखानों व उद्योगों में किया जाता है। अब बात आती है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस चीज़ से हुई है या किस शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या अभिकलांतरित कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। अभी हम 8 अक्षरों के बारे में बताते हैं। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है सी का मतलब कॉमनली यानी सम्मानित है, ओ का मतलब ऑपरेटेड यानी संचालन करना, एम का मतलब मशीन यानी यंत्र, यू का मतलब यूज टू यानी उपयोग के लिए, टी का मतलब टेक्निकल यानी तकनीक, ई का मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा, आर का मतलब रिसर्च यानी खोज। अब बात करते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया था। आंसर है चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। कंप्यूटर की स्पीड माइक्रोसेकंड या नैनोसेकंड में मापी जाती है। और एक जीके का क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको कोई नई टॉपिक बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको हमारी जल्द से जल्द वीडियो आपके पास पहुँच सके। और स्टे होम स्टे सेफ, कहते हैं ना इंडिया विल बी ग्रो एज यू स्पीक नॉट विल यू स्टडी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।